वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज मैं लेके आया हूँ एनसीईआरटी का चैप्टर 2 जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड मींस भोजन के घटक। इसका मैं इस चैप्टर का मैं दो वीडियो जो है पिछले वीडियो में सेशन में मैंने डाला हुआ है और आज जो मैं लेके आया हूँ पार्ट 3 लेके आया हूँ, तो इसको देखते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का कंपोनेंट्स ऑफ फूड मींस भोजन के घटक। इसमें हम लोग का ये वीडियो लेक्चर 3 है। आज हम लोग जो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे वो है, फर्स्ट में है बैलेंस्ड डाइट, मतलब संतुलित आहार। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी तरह दूसरा पॉइंट है डिफिशियंसी डिजीजेज, मतलब अभाव जन रोग, किस विटामिन कमी से क्या रोग होता है, क्या क्या मतलब उसको क्योर करने में लगता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए से जो है क्या कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, मतलब देखने में कठिनाई होती है, इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब राइट डार्कनेस मतलब नाइट, रात में भी देखने में बहुत कठिनाई होती है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरह से दृष्टि बाधित हो जाती है। इसी तरह हम लोग जानते हैं सेकंड में है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन से क्या होता है, कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी बेरी होता है। इस रोग का नाम क्या है, बेरी बेरी। विटामिन वन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। इसमें क्या होता है कि वीक मसल, मतलब मसल जो है कमजोर हो जाता है, मांसपेशियां, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और हम कोई भी काम करने में एनर्जी नहीं मिल पाता है, इसी कमी से विटामिन बी वन की कमी से, कौन सा रोग, तो बेरी बेरी। इस तरह से है विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है। इसमें इसका सिम्टम्स जो है, लक्षण जो है, ब्लीडिंग गम्स, मतलब मसूड़ों से खून आने लगता है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब कोई भी घाव है उसको भरने में बहुत समय लग जाता है। तो इस टाइप का जो सिम्टम्स आएगा उसमें कौन सा रोग हो जाएगा, तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। और किस विटामिन कमी से, तो विटामिन सी। इसी तरह है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है, अधिकतर बच्चों में पाया जाता है रिकेट्स रोग। इसमें क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, इसमें क्या होता है बोन्स जो है हड्डियां जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है और मुड़ जाता है। इसी तरह है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टीथ डिके, मतलब दांत और ये हड्डी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, दांत झड़ने लगता है। इसका सिम्टम्स क्या है, मीन्स लक्षण क्या है, तो वीक बोन्स, कमजोर हड्डियां, और टूथ डिके, मतलब दांत जो है झड़ने लगता है। इसी तरह है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या, कौन रोग होता है, तो गोइटर मींस घेंघा रोग, आयोडीन कमी से होता है। इसमें क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मतलब गला जो है, गला किस कारण से है कि गर्दन जो है क्या होता है कि खुला रहता है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में मतलब मानसिक कमी होने लगती है। इस तरह है आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया रोग, मतलब अरक्तता, जिसको बोलते हैं ब्लड की कमी, इसको एनीमिया। और इसमें क्या होता है, वीकनेस। तो ये सारा चीज जो है आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड डाइट, मतलब संतुलित आहार। इसमें हम लोग जानते हैं द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फूड हेल्थ। मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफ गेज एंड वाटर। सच ए डाइट इज कॉल्ड ए बैलेंस्ड डाइट। मीन्स कहता है कि सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, मतलब डाइट किसे कहते हैं, तो सामान्यतः मतलब कि पूरे दिन में हम जो भी कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। सही बात है, कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम, मतलब कोई भी पोषक तत्व जो है आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुचांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, माने बैलेंस डाइट उसको कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में
सारा चीज हमें मिले। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेज नीड दैट सेम टाइप ऑफ डाइट, डू यू ऑल्सो थिंक दैट वी नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द फिजिकल वर्क दैट वी डू। मतलब क्या कह रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वाट एवर यू इट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और ऑफ और द अदर फूड आइटम बींग ईटन विद इन ए डेज और सो, पल्सेस ग्राउंड नट सोयाबीन स्पॉटेड सीड्स मूंग एंड बंगाल ग्राम फर्मिनेटेड फूड्स साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स मीन्स मिसी रोटी थेपला मेड फ्रॉम क्रियल्स एंड पल्सेस बनाना स्पिंच सत्तू जैगरी अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स देयरफॉर यू कैन ईट ए बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। मतलब क्या कहता है कि एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए, जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। दालें मूंगफली सोयाबीन अंकुरित बीज जिसे मूंग और चना को बोलते हैं, किण्वित भोजन मतलब दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी थेपला अनाज व दालों से बना, केला पालक सत्तू गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। मतलब कम खर्च करके भी आप संतुलित आहार खा ले सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost. Are you answered that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? मतलब क्या कह रहा है कि उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। मतलब बैलेंस टाइट कीजिए ठीक है, लेकिन इसे अच्छी तरह से पकाना होना चाहिए, पकाया होना चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। अगर अच्छे से भोजन को पकाएंगे तो जो इसका न्यूट्रिएंट्स जो है मतलब पोषक तत्व है वो नष्ट ना हो। कि आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? पहली वंडर्स वेदर एनिमल फूड ऑल्सो कंटेंट्स ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड ए बैलेंस डाइट। मतलब पहली जो है इसमें पहली और बुझो के दो एक शीर्षक रखा गया, उसके अनुसार अपनी बात जो है कहना चाह रहा है। तो उसमें कह रहा है कि पहले जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव्ड some vitamins and minerals present in them। मतलब छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल आर लॉस्ट ऑफ इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट इज देन थ्रू अवे। मतलब कहता है कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कोई
कई लाभप्रदक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। आगे देखते हम लोग, विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। मतलब कह रहा है कि पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, विटामिन सी जो है आसानी से नष्ट हो जाता है गर्मी के कारण, क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों की सम्मिलित करें। बुजो थाउट दैट द फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। एक कटोरी बॉयल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट राइस। रिच फूड इज नॉट ईट सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी स्नैक्स, मलाई, राबड़ी एंड पिल्स एंड पेड़ा स्वीट्स। मतलब कह रहा है कि बुझो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त भोजन ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अत्यधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीज़ों जैसे कि समोसा हो गया, पूरी हो गया, मलाई हो गया, रबड़ी हो गया, पेड़ा हो गया आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाना और इसके अलावा कुछ नहीं खाया, मतलब ही खाना शुरू किया। डू यू, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखना है, डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। बहुत अच्छा है। मतलब क्या कर रहा है, क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निस्संदेह नहीं, सही बात है। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है, मतलब ओबेसिटी जो है क्या रहे तो वसा के कारण होता है। थैंक यू वेरी मच।